Hey guys, आज हम लोग तुलसीपुर स्थित पाटन देवी मंदिर में आए हैं माँ पाटेश्वरी जी के दर्शन करने, पूजा पाठ करने, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने और थोड़ा बहुत मेला घूमने, इंटरटेन करने। हमारे साथ आए हुए अनिल चौहान लखनऊ से आए हैं माता जी के दर्शन करने के लिए, तो चलते हैं फिर। उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूर तुलसीपुर शहर में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध सिद्ध शक्ति पीठ माँ पाटेश्वरी देवी का मंदिर है, जिसे पाटन देवी नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भारत देश में फैले प्रसिद्ध 51 शक्ति पीठों में एक प्रमुख स्थान रखता है। जय माता दी। यह महादेव शिव और माता सती के प्रेम प्रतीक स्वरूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपने पति महादेव का स्थान नहीं देखती हैं तो उन्हें अपमान लगता है, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से क्षुब्ध होकर महादेव शिव ने दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया और सती के शव को अपने कंधों पर रखकर तीनों लोकों में घूमने लगे और तांडव करने लगे, जिससे संसार चक्र में व्यवधान उत्पन्न हो गया। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव को विभिन्न टुकड़ों में काट दिया, जो भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरे। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सती के शव के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। सती का वाम स्कंद पाटंबर अंग यहाँ आकर गिरा था, इसलिए इस स्थान को देवी पाटन के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव की आज्ञा पाकर महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ ने सर्वप्रथम देवी की पूजा अर्चना के लिए एक मठ का निर्माण कराया। आठवें दिन माँ पाटेश्वरी देवी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु श्री गोरखनाथ स्वयं लंबे समय तक देवी की पूजा आराधना करते हुए साधन रत रहे। इस प्रकार से यह स्थान सिद्ध शक्ति पीठ के नाम के साथ साथ योग पीठ भी है। मंदिर के परिसर में एक समय माता का मंदिर भी है। यह प्रवेश द्वार है और यही रास्ता मंदिर की तरफ जाता है। यहाँ पर एक कुंड भी है, जिसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। सभी भक्त इस कुंड में स्नान करके माता जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाने पर यहाँ गौशाला भी बनाया गया है।
यहाँ पर यात्रियों को रुकने के लिए यात्री निवास भी बनाया गया है। नवरात्रि के समय में यहाँ पर बहुत भीड़ होता है, लोग दूर दूर से आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। मंदिर के प्रांगण में एक शिव मंदिर भी बना हुआ है। नवरात्रि के समय में एक माह के लिए भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं मेला देखने के लिए। माँ पाटेश्वरी के दर्शन करके हम लोग आ गए तुलसीपुर रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से ट्रेन द्वारा अनिल भाई लखनऊ चले जाएंगे और मैं बलरामपुर चला जाऊँगा।